वापस गॉडहिट प्रभुपद वैदिक पर्यवेक्षक वापस गॉडहिट अगस्त 1987 दिन के मुद्दों पर पालौकिक टिप्पणी जब तब रूपनुगा दासा द्वारा 12 दिसंबर 1986 को द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 1967 में मूल रूप से लिया गया कॉलेज फ्रेशमैन के एक दृष्टिकोण सर्वेक्षण के परिणाम प्रकाशित किए और 1985 में दोहराया गया। 1967 में 83% का मानना कि जीवन के एक सार्थक दर्शन को विकसित करने के लिए यह आवश्यक या बहुत महत्वपूर्ण है और 44% का मानना कि यह आवश्यक है या आर्थिक रूप से अच्छी तरह से बंद होना बहुत महत्वपूर्ण है। 1985 में उत्तर दृष्टिकोण के एक उलट को इंगित करते हुए दिखाई दिए, केवल 43% जीवन के एक सार्थक दर्शन को विकसित करने के बारे में अधिक चिंतित थे, जबकि 71% ने अपने आर्थिक विकास पर अधिक जोर दिया। क्या लोग अधिक आध्यात्मिक रूप से 20 साल पहले झुके हुए थे, क्योंकि ये सर्वेक्षण संकेत देते हैं? दरअसल ये आंकड़े पिछले 20 वर्षों के आर्थिक परिवर्तनों को ध्यान में नहीं रखते हैं। हालांकि 1967 की तुलना में औसत आय लगभग दोगुनी है, डॉलर बहुत कम खरीदता है। अधिक से अधिक परिवारों में दोनों पति पत्नी काम करते हैं। लोग दिन और रात के सभी घंटे काम करते हैं। कई व्यवसाय बहुत देर से या यहां तक 24 घंटे एक दिन या सप्ताह में 7 दिन रहते हैं। 20 साल पहले ये अपवाद थे। लोग अब कम संवेदनशील, बौद्धिक या आध्यात्मिक रूप से झुकाव नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कई के लिए एक जीवित कमाना कठिन और अधिक जटिल हो गया है। आमतौर पर लोग गंभीर आध्यात्मिक प्रयासों या जीवन के उच्च उद्देश्यों की जांच को स्थगित कर देते हैं जब तक कि वे आर्थिक स्थिरता प्राप्त नहीं करते हैं। यह 1967 और 1985 के सर्वेक्षणों में उत्तरों के बीच अंतर को समझाने में मदद करता है। अगर हमसे उन सर्वेक्षण प्रश्नों से पूछा गया तो हमारा उत्तर क्या होगा? क्या हम अधिक आर्थिक विकास या जीवन के एक संतोषजनक सार्थक दर्शन के बाद हैं, या हम दोनों चाहते हैं? क्या हमारी स्थिति और स्थिति के अनुसार आर्थिक आवश्यकताओं की उपेक्षा किए बिना जीवन का एक सार्थक दर्शन विकसित करना संभव है? आध्यात्मिक मूल्य भौतिक मूल्यों के साथ कैसे संगत हो सकते हैं? जवाब देने के लिए किसी को दोनों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। आर्थिक विकास का आधार पहचानने के लिए काफी आसान है, यह काम है। आखिरकार किसी को काम करके शरीर और आत्मा को एक साथ रखना होगा। एक के मनोचिकित्सा प्रकृति के अनुसार काम करने के लिए संस्कृत में वना के रूप में जाना जाता है। जीवन का एक सार्थक दर्शन हमारी चेतना की स्थिति पर निर्भर करता है। हम अपने और दुनिया और ब्रह्मांड से हमारे सामने कैसे जागरूक हैं। हमारी चेतना स्वाभाविक रूप से फैलती है जैसे हम परिपक्व होते हैं, माँ के बारे में जागरूकता से, फिर पिता, भाई बहन, दोस्त, समुदाय, धर्म, राष्ट्र, मानवता, अन्य जीवित संस्थाओं और सामान्य रूप से हमारे आसपास की दुनिया। चेतना का उच्चतम चरण ईश्वर चेतना है, या अधिक सटीक रूप से गॉडहिट के सर्वोच्च व्यक्तित्व की चेतना। उस चेतना को वैदिक साहित्य में वर्णित और विश्लेषण किया गया है, विशेष रूप से भगवद गीता। यद्यपि यह उच्च चेतना स्वाभाविक है, जैसे चलना, बोलना या कार्य करना सीखना, यह स्वचालित नहीं है, बल्कि ईश्वर चेतना या कृष्ण चेतना कुछ तकनीकों से जागृत होती है जो दुनिया में कहीं भी अभ्यास किया जा सकता है, यहां तक घर पर भी किसी द्वारा भी। प्रारंभ में कोई संदेह कर सकता है कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मूल्यों से संबंधित हो सकता है। अनुभव के कारण कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए किसी को सब कुछ माना जाना चाहिए। इस गलतफहमी को सीधे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु ने अपनी टिप्पणी में प्राचीन ब्रह्म संहिता या ब्रह्म के भजनों के पाठ के लिए संबोधित किया है। वह मूल प्रश्न तैयार करता है, यदि कोई हमेशा आध्यात्मिक खुशी की खोज में लगे रहता है तो कोई सांसारिक मामलों के साथ कैसे जारी रह सकता है, और अगर किसी को समाज से हटने की आवश्यकता होती तो ऐसी आध्यात्मिकता की गतिविधियां क्या होंगी? जवाब में श्री भक्ति सिद्धांत बताते हैं कि आपको वापस नहीं लेना है। जब सांसारिक गतिविधियों को कृष्ण चेतना के लिए एक आधार के रूप में किया जाता है तो उन्हें सहायक भक्ति या आध्यात्मिक प्रथाओं के रूप में माना जाता है। दूसरे शब्दों में किसी को किसी की सांसारिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के तरीके पर विचार करके आध्यात्मिक जीवन शुरू करना चाहिए ताकि वे कृष्ण चेतना के लिए अनुकूल हों। जब कोई कृष्ण पर ध्यान करता है और उसके निर्देशों का पालन करता है तो एक सांसारिक गतिविधियां कृष्ण चेतना के अनुकूल होती हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी आध्यात्मिक जीवन के बारे में सुस्त नहीं होगा, भले ही अज्ञेय या नास्तिक लोगों के साथ काम करने में लगे हों। श्री प्रभुपाद एक उदाहरण देता है, एक विवाहित महिला के रूप में जिसके पास एक पैरामोर है अपने घरेलू कर्तव्यों को अच्छी तरह से करता है ताकि उसके पति को संदेह न हो कि वह हमेशा अपने प्रेमी से मिलने पर ध्यान कर रही है। किसी को किसी के काम को ईमानदारी से करना चाहिए, कभी नहीं खोना चाहिए। तथ्य यह है कि एक गॉडहेड या कृष्ण का सेवक है। यदि किसी का काम इस तरह के आध्यात्मिक अंत का साधन बन जाता है तो वह काम अंततः अपनी सामग्री की गुणवत्ता खो देगा। सब कुछ मूल रूप से आध्यात्मिक है क्योंकि यह ईश्वर से आता है, लेकिन जब आध्यात्मिक ऊर्जा माया द्वारा कवर की जाती है या ईश्वर की विस्मृति, यह भौतिक प्रतीत होती है।
जब कृति की सेवा में तथाकथित भौतिक चीजों का उपयोग किया जाता है तो वे अपनी मूल आध्यात्मिक गुणवत्ता को पुनः प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक व्यवहार या प्रथाओं, जिसे तकनीकी रूप से ASRAMA कहा जाता है, स्वाभाविक रूप से एक के काम या वना के साथ संयोजन करता है। जो इस तरह से रहता है वह वर्णाश्रमा के अनुसार काम कर रहा है, जो किसी के जीवन को आध्यात्मिक बनाने के लिए प्रणाली है। आध्यात्मिक प्रथाओं के पहले चरण में हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना और दूसरों की सेवा करना शामिल है, जो कि कृष्ण चेतना को समझा गया है। इन प्रथाओं के शुद्धिकरण प्रभाव इस तरह की असंगत आदतों से नशे, गैर बगुलेपनवाद, जुआ और अवैध कामुकता के रूप में क्रमिक टुकड़ी का कारण बनते हैं। यह भगवद गीता 2.59 में समझाया गया है। हालांकि सन्निहित आत्मा शायद अर्थ आनंद से प्रतिबंधित है, लेकिन अर्थ वस्तुओं के लिए स्वाद बना हुआ है। लेकिन एक उच्च स्वाद का अनुभव करके इस तरह की व्यस्तताओं को रोकना, वह चेतना में तय हो गया है। श्री प्रभुपाद ने टिप्पणी की, जिसने कृष्ण चेतना में अपनी उन्नति के दौरान सर्वोच्च भगवान कृष्ण की सुंदरता का स्वाद चखा है, अब मृत भौतिक चीजों के लिए स्वाद नहीं है। जब कोई वास्तव में कृष्ण सचेत होता है तो वह स्वचालित रूप से पीला चीजों के लिए अपना स्वाद खो देता है। दादाजी की सोच द्वारकाधीशा देवी दासी द्वारा। मेरे दादा एक रेल कंपनी के अध्यक्ष हुआ करते थे। एक गहरी उछाल वाली आवाज के साथ एक लंबा आदमी, उसने नौकरी और घर पर सम्मान की आज्ञा दी। वह मेरी माँ के जर्मन परिवार के निर्विवाद रूप से पितृसत्तात्मक थे और हम बच्चे उनकी बहुत उपस्थिति से जाग गए थे। हम उससे प्यार करते थे, हालांकि क्योंकि उसकी गहरी चकली और नीली आंखों को ट्विंकल करने से हास्य और स्नेह होता था। अब वह एक बांझ अस्पताल के बिस्तर में है, जो बीमारी और उम्र से पराजित है। नर्सों ने शायद ही एक चौथाई उम्र को कमरे में उछाल दिया ताकि वह अपने मुरझाए हाथ में सुइयों को रोल कर सके। अब यह थोड़ा सा डंक मार सकता है, श्री शमिट वैसे जैसे वह अपने कई पोते पोतियों में कुकरते थे। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और प्रार्थना करता है कि अंत जल्द आ जाएगा। लगभग 30 मील दूर मेरी दादी हमारे परिवार के साथ हमारे लिविंग रूम में बैठती हैं, अपनी शादी के बैंड को अपनी चाकू उंगली के चारों ओर घुमा देती हैं। वह कहती हैं वह किसी को नहीं देखना चाहती हैं और वह नहीं चाहता कि कोई भी उसे उसी तरह से देखे जो वह है। वह अपने पैरों को स्थानांतरित नहीं कर सकता। वह इतना कमजोर है कि वह बैठ नहीं सकता है, खुद को नहीं खिला सकता है। उसके पास सबसे प्यारी छोटी नज है, लेकिन वह उसे नहीं देखती। वह अब चिकित्सा शुरू कर रहा है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उसकी वसूली धीमी हो जाएगी क्योंकि वह बहुत उदास है। हम सुनते हैं जैसे सवाल पूछते हैं, क्या उन्हें लगता है कि वह कभी फिर से चलेंगे? मैं अपने दादा के बड़े फ्रेम के बारे में सोचता हूँ, जो बुढ़ापे और बीमारी से बर्बाद हो गया है। मुझे उनका विस्तार और उनकी दयालुता याद है। मुझे लगता है कि यह एक भौतिक शरीर होने का मतलब है, मैं एक आह के साथ कहता हूँ। जैसे ही मैं कहता हूँ, कमरा ठंडा लगता है, जैसे कि मैंने अपने दादा की अंतिम संस्कार योजनाओं की घोषणा की हो। माँ ने मुझे एक ठंडा घूरना शूट किया और मेरी दादी रोने के लिए तैयार लगती हैं। बाकी सभी लोग असहज प्रतीत होते हैं, अपने पैरों को पार करते हुए और उनके होंठों को घुमाकर, उनके भौंक को फुलाकर। वहां वह जाती है, वे सोचते हैं, इस सबसे नाजुक पारिवारिक सम्मेलन में अपने सांप्रदायिक धार्मिक विचारों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, शायद इस तरह के मामले में मानवीय अनुभव के ग्रिमा पहलुओं को लाने के लिए यह मेरे लिए क्रेज था। आखिरकार यह सिर्फ अस्पताल के बिस्तर में बर्बाद करने वाला कोई भी भौतिक निकाय नहीं है, यह दादा है। उनके गहन पीड़ा के लिए उनके हिस्से पर कुछ जिम्मेदारी का सुझाव देने के लिए मेरे परिवार की संवेदनाओं के लिए थोड़ा सा प्रत्यक्ष है। यह सिर्फ इतना है कि वे अपने शरीर के साथ पूरी तरह से पहचान करते हैं। मैं उन्हें व्याख्यान नहीं देना चाहता, लेकिन कभी कभी मैं उनके भ्रम के बल पर चमत्कार करता हूँ। उन सभी को कुछ कड़वे क्षणों के माध्यम से पीड़ित किया गया है और यहाँ तक सबसे कम उम्र के बच्चों पर स्वास्थ्य समस्याओं से हमला किया गया है, लेकिन वे खुशी से प्लग करने का प्रबंधन करते हैं, सहानुभूति या नशे के साथ मार्ग को चौरसाई करते हैं, सभी के क्रमिक बिगड़ने को अनदेखा करते हैं जो वे प्रिय रखते हैं। दादाजी जबरदस्त दर्द में मर रहे हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि जीवन अद्भुत है। जैसा कि मेरे दादा मृत्यु की रिहाई के लिए तरसते हैं, मेरा परिवार जीवन के लिए अपने उत्साह को फिर से बनाने के लिए तरीकों को तैयार करने की कोशिश करता है। लेकिन वे 80 साल पुराने अमान्य को क्या लुभाते हैं? शराब, लड़कियां, उसके पास वह सब कुछ था जो पैसे की बाल्टी खरीद सकता था। अब जब वह अपने बड़े घर, अपने वफादार कर्मचारियों और सम्मान के बारे में सोचता है तो वह खाली और दुखी महसूस करता है। उन सभी वर्षों में उन्होंने जो कुछ भी पूरा किया वह इस दर्द को कम कर रहा है, उसका शरीर गिर रहा है और वह समाप्त हो गया है। यह शारीरिक दर्द नहीं है जो उसे पीड़ा दे रहा है, यह मानसिक पीड़ा है, क्योंकि अब वह देखता है। एक बार जब मेरी बहन और मैं एक मध्यम आयु वर्ग की महिला पर हंस रहे थे, जिसमें उसके माथे पर चित्रित भौहें थीं और उसके भूरे रंग की खोपड़ी के ऊपर रेवनकल के ढेर थे, लेकिन हंसी के बीच में मुझे अचानक दुखी महसूस हुआ।
इस महिला की अज्ञानता के बारे में क्या मजेदार था। बेशक वह सुंदर नहीं थी, लेकिन उसके भ्रम और मेरे खुद के बीच क्या अंतर था। जो कोई भी भौतिक निकाय को स्वयं के रूप में स्वीकार करता है वह मूर्ख है। वह अपने बूढ़े शरीर को सुशोभित करने के अपने प्रयासों में मूर्ख थी। मैं एक मूर्ख हूं क्योंकि मैं अपनी आंखों के कोनों में झुर्रियों पर चिंता करता हूं। मेरी बहन एक मूर्ख है क्योंकि वह लिपस्टिक की छाया को खरीदने के लिए क्या है। और हमारी मूर्खता मजेदार नहीं है, यह खतरनाक है। यह मूर्खता हमें इस जीवन में बहुत पीड़ित की गारंटी देती है, क्योंकि दादाजी अटैच करेंगे, और जब यह शरीर के माध्यम से होता है तो हमें एक और मिलेगा, और आगे हम आत्म प्राप्ति से विचलित होते हैं, हमारे शरीर को उतना ही दयनीय बन जाता है। फिर भी मैं अपने परिवार से उनकी मदद करने के लिए क्या कह सकता हूँ। अगर शरीर की अस्थायी प्रकृति की मेरी कोमल अनुस्मारक भी इस तरह के अड़चन के बारे में लाती है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि दादाजी की शारीरिक स्थिति केवल खराब हो सकती है। क्या हम उसे आत्मा के पालौकिक प्रकृति के बारे में नहीं बता सकते हैं? और दादी के बारे में क्या? वह खुद ज्यादा नहीं है। और आपके और मेरे बारे में क्या? पापा, क्या यह सुनना बहुत कठिन है कि हम सभी मरने वाले हैं? चूंकि वे मेरा परिवार हैं और चूंकि मैं उनसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं फिर से कोशिश करने का फैसला करता हूं। अब वह दादाजी बहुत बीमार है, हम उसे भगवान के करीब आने में मदद कर सकते हैं, मैं अपनी दादी से कहता हूं। वह प्रशंसा में मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखें बह जाती हैं।